Hello everyone, my name is Deepak Yadav and this is Glorify Classes. So today we are going to do worksheet of the chapter periodic properties and variation of properties. So let's start. So worksheet 1 में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1 fill in the blanks. Fill in the blanks में सबसे पहले आता है हमारा Newland's law of octave arranged elements in increasing of, यानी कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जो बना था अपना डोवर्नियर्स का ट्रेड था, फिर न्यूलैंड्स का आया था ना, तो न्यूलैंड्स का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था वो किस पर बेस्ड था? तो वो हमारा बेस्ड था एटॉमिक मास पर, मास वेट जो भी बोलना आपको बोलिए. तो डोवर्नियर ट्रेड्स हो गया अपना, ये मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल हो गया, न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव हो गया, ये सारे के सारे किस पर बेस्ड थे? एटॉमिक मासेस पर. जबकि जो हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है. सेकंड आता है हमारा डोवर्नियर अरेंज सिमिलर एटम्स इन अ ग्रुप ऑफ, तो जो डोवर्नियर था उसने एक जैसे जो एलिमेंट्स थे सिमिलर एटम्स थे इन अ ग्रुप ऑफ, उन्होंने कितने कितने के ग्रुप बनाए थे? उसने तीन तीन के ग्रुप बनाए थे, इसलिए उनको कहा गया था ट्रेड्स. क्या कहा गया था? ट्रेड्स. ट्रेड्स का मतलब क्या है? थ्री, बेसिकली तीन के ग्रुप, तो ग्रुप ऑफ थ्री. ओके, नाउ थर्ड है पोजिशन ऑफ डैश इज कॉन्ट्रोवर्शियल इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. मेंडेलीव्स के पीरियोडिक टेबल में किसकी पोजिशन जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल है, मतलब कुछ फिक्स नहीं है, जिसके बारे में हमेशा बातचीत चलती रहती है कि इसको यहाँ रखें कहाँ पर रखें. तो एक ही एलिमेंट है, अगर आपने गेस कर लिया है तो सही है, वरना जो आंसर है वो है हमारा हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जैसा कि आपको पता है हाइड्रोजन की जो पोजिशन है वो फिक्स नहीं है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी और मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में भी, यहाँ तक कि वो भी फिक्स नहीं कर पाया था. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन कभी एल्कली मेटल्स की तरह प्रॉपर्टी शो करता था, एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 के, या फिर कभी कभी वो ग्रुप 17 जो है अपना हैलोजन ग्रुप उसकी तरह उनकी प्रॉपर्टी शो करता था, तो इसलिए उसकी पोजिशन को फिक्स कर पाना मुश्किल था, तो वही कॉन्ट्रोवर्शियल बन गया. फिर अपना फोर्थ है इफ़ एन इलेक्ट्रॉन डैश एनर्जी इट जम्प्स टू लोअर एनर्जी लेवल फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल. तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी क्या करेगा, ठीक है, जब वो लोअर एनर्जी फ्रॉम हायर एनर्जी है, यहाँ पे याद रखिए ये मेन है, यहाँ पर फ्रॉम बोला गया है, टू नहीं है, टू होता तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, यहाँ बोल रहा है कि फ्रॉम हायर, तो हायर से लोअर जा रहा है, ठीक है. तो इसको ऐसे देखिए, लोअर एनर्जी लेवल हायर एनर्जी लेवल, तो लोअर एनर्जी लेवल की एनर्जी कैसी होगी? लोअर होगी, कम होगी, लेस होगी, ठीक है, और जबकि हायर एनर्जी लेवल की हाई एनर्जी होगी, बहुत ही ज्यादा होगी, मोर होगी एक तरह से, ठीक है, मैक्सिमम कह सकते हैं, लेस जो भी बोलना हो बोलिए. तो अब अगर कोई भी एटम जो का जो ये एटम है आगे मेरा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है हायर से, इसके पास मोस्ट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है, और इसको आना कहाँ पर है? लोअर वाले पे आना है, तो इसको एनर्जी क्या करनी होगी? गेन करनी होगी, लूज करनी होगी. अब इस वाले के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है हायर लेवल पे, और जबकि जो नीचे लेवल है वहाँ पे लेवल कितना, अगर इसके पास मान लीजिए 5 है, इसका जो एनर्जी लेवल है वो कितना है? 5 है, और लेकिन नीचे जो अलाउड है मैक्सिमम, जो नीचे अलाउड है एनर्जी लेवल वो 3 है, यहाँ पर कितनी अलाउड है? 3 है, तो इसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? 5 से 3 होने के लिए माइनस करनी पड़ेगी अपने आप को, यानी कि लूज करनी पड़ेगी एनर्जी. तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? इफ एन इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी इट जंप्स टू लोअर एनर्जी लेवल फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल. आगे आता है फिफ्थ पीरियड कंटेन डैश एलिमेंट्स, तो फिफ्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो फिफ्थ पीरियड में आपके टोटल 18 एलिमेंट्स होते हैं, सिक्स पीरियड में आपके 32 एलिमेंट्स हो जाते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए 18. नेक्स्ट द डैश पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द प्रेजेंट पीटी. पीटी मतलब है पीरियोडिक टेबल. तो कौन सा पीरियड अभी लॉन्गेस्ट, जो पीरियोडिक अभी जो फिलहाल पीरियोडिक टेबल चल रही है अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसकी सबसे लंबा पीरियड जो कौन सा है? वो हमारा है सिक्स पीरियड. कौन सा? सिक्स पीरियड जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है. अब सिक्स पीरियड जो है सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है, और कितने एलिमेंट्स के साथ है वो? 32 एलिमेंट्स के साथ है. कितने एलिमेंट्स के साथ है? 32 एलिमेंट्स के, जिसके अंदर हमारे एफ ब्लॉक आ जाता है ना, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो वाले एलिमेंट्स. फिर आता है हमारा
बेरिलियम एग्जिबिट्स डायगनल रिलेशनशिप विद विच एलिमेंट्स? तो बेरिलियम जो है वो डायगनल रिलेशनशिप किसके साथ दिखाता है? देख लीजिए, डायगनल रिलेशनशिप अगर याद हो आपको तो हमने इस टॉपिक को किया था, जैसे लिथियम बेरिलियम सी एन ओ एफ नाम से, ठीक है, कुछ गलत हो गया मतलब, एक मैं सुन यहाँ पे चलो, यहाँ पे नियॉन नाम जी एल, हाँ अब ठीक है, नियॉन आर्गन हो गया ना लास्ट में, और लेना यहाँ पे। तो डायगनल रिलेशनशिप किसे कहते हैं? जो ये डायगनली एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टीज एक जैसे सिमिलर होते हैं जिसमें, तो आप देख सकते हैं बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन सिलिकॉन के साथ, कार्बन फॉस्फोरस के साथ, नाइट्रोजन सल्फर के साथ, ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ, ऐसे एक दूसरे के साथ साथ। तो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं हम बेरिलियम की, बेरिलियम एग्जिबिट्स डायगनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम, तो आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंप्राइज ऑफ, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स अभी मैंने बताया था, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं जो कि एफ ब्लॉक में आते हैं, कुछ यूं होता है ना अपना पीरियोडिक टेबल। तो ये जो यहाँ पे एलिमेंट्स आ जाते हैं अपने दो एक्स्ट्रा, ये वाले, ये कौन से हो गए? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, इन्हें को हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। फिर इसके बाद गैप तो बचा नहीं, लेकिन नाइन्थ और टेंथ जो है, नाइन्थ क्या है कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में उसने कुछ गैप छोड़े थे, ठीक है, आई गेस यही है, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ, डैश लेफ्ट गैप इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। तो कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए किसने गैप छोड़े थे? तो हमारे मेंडेलीव सर ने छोड़े थे कि फ्यूचर में कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो वो एलिमेंट्स को वो वहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो आंसर होगा मेंडेलीव। और अगर स्पेलिंग चाहिए तो MANDLEEV। नेक्स्ट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज गिवन बाय, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके थ्रू दिया गया था? आंसर है इसका मोस्टली